हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एरिया जंपिंग। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह है जो है सिरसा स्टेडियम खड़गपुर है और यहाँ पे रांची बोर्ड वालों का पीईटी होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रहे थे कि रांची बोर्ड का जो स्टेडियम बना हुआ है यह कितने मीटर का है और कितना राउंड मारना पड़ेगा, और पीईटी से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रहे थे, सभी को इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो लास्ट देखिएगा, उससे पहले यदि आप नए हैं चैनल पर, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मात्र एक सेकंड का समय लगेगा, उसके बाद आप हमसे जुड़ जाएंगे। फिर कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हो, जानते हैं। देखिए दोस्तों, सिरसा स्टेडियम जो खड़गपुर में है, यहाँ पे रांची बोर्ड वालों का पीटी होने वाला है। और दोस्तों, इस ग्राउंड का आप कुछ इस प्रकार से व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट से कुछ ऐसा दिखने वाला है, यहाँ पे कुछ गेट इसका इस प्रकार से दिखने वाला है। तो यही ये ग्राउंड है जहाँ पे आपका पीटी होने वाला है, फिजिकल होने वाला है। और दोस्तों, यहाँ पे प्रिपरेशन पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पे जो आपका जो ग्राउंड होगा वह 333 मीटर का बनाया जा रहा है। यहाँ पे ग्राउंड जो 333 मीटर का बना हुआ है, इसका मतलब यह है सिरसा स्टेडियम में जिनका भी पीटी होने वाला है या हो रहा है, उनका दोस्तों यहाँ पे 333 मीटर का ग्राउंड बना हुआ है। तीन राउंड मारना होगा, तीन राउंड मारने के बाद इनका जो है एक किलोमीटर पूरा हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स थे, वह एक कन्फर्म हो जाइए कि इनका जो ग्राउंड होने वाला है वह 333 मीटर का होने वाला है। और दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी जा रहे थे कि इसमें क्या क्या चीज़ लेके जाना है। तो एडमिट कार्ड आप ले लीजिएगा। एडमिट कार्ड लेने के बाद दो फोटो का यूज होगा। वैसे तो पांच फोटो लिखा गया इंस्ट्रक्शन में, लेकिन दो फोटो क्या ही यूज होने वाला है यहाँ पे। और उसके बाद आप जो है यहाँ पर अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड जरूर ले लीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जहाँ तक ये बात है कि बैग वगैरह रखने के लिए, तो बैग वगैरह रखने के लिए आप अपने साथ में बैग को ले जा सकते हैं, और जहाँ जहाँ जाएँगे वहाँ रखने की कोई आवश्यकता है नहीं बैग को, ठीक है ना। जहाँ पे सब बच्चे रखेंगे वहीं पे रख देंगे, वहाँ पे कुछ इसका इशू नहीं होने वाला है। जहाँ तक बात है कि किस प्रकार से दौड़ना है, और शूज वगैरह का इशू बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना शूज के प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों, जिनका भी बिना शूज के प्रैक्टिस है, वे लोग बिना शूज के भी दौड़ सकते हैं। कोई यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है कि शूज पहन के ही दौड़ना है, क्योंकि बहुत सारे जोन में ऑलरेडी जो है पीटी चल रहा है। रतलाम में चल रहा है, भुवनेश्वर में चल रहा है, और दोस्तों यहाँ पर सिकंदराबाद में, भुवनेश्वर सिकंदराबाद को समाप्त हो चुका था। दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेरीज आए हैं, उनका यही देखने को मिला है। सिकंदराबाद में भी चला है और भुवनेश्वर का पीटी समाप्त हो चुका। तो भुवनेश्वर वाले या फिर रतलाम वाले जितने भी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने आवश्यकता के अनुसार अपना दौड़ पूरा किया है, जूता से या फिर बिना जूता का, ठीक है ना। तो ये थे, ग्राउंड 333 मीटर का होगा। कोई क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जाए। जय भारत।